हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पेट विजन। दिस इज साहिल मलिक, योर होस्ट एंड योर वेंट। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो एक स्पेशल एक टॉपिक के ऊपर है, जैसा कि आप थंबनेल में भी देख ही चुके हो। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट शैम्पू फॉर डॉग्स और कैट्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज गाइस जब हम कमेंट सेक्शन रीड कर रहे थे तब हमने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे हैं कि सर हमें कोई ऐसा शैम्पू बता दीजिए जो एंटी एयरफॉल भी हो, साथ में ही एंटी फंगल हो, एंटी एलर्जिक हो, यानी आपके डॉग को फुली प्रोटेक्शन दे। तो गाइस, आज की जो वीडियो है उसी एक टॉपिक के ऊपर है, आपका ही डाउट क्लियर करने के लिए हमने ये बनाई है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए गाइस, करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले जो शैम्पू आता है प्रोकोट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो गाइस, जो प्रोकोट का जो मेन जो फंक्शन है, यानी ये एक एंटी हेयर फॉल भी है, यानी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके जो डॉग के जो बाल झड़ना बहुत ही कम हो जाएगा, साथ में ही जो उसका कोट होता है बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। अगर आपके डॉग के रफ हेयर्स हैं, अगर आप प्रोकोट का इस्तेमाल करते हो तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएंगे और मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर मार्केट से नहीं परचेज करना चाहते, ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप परचेज कर सकते हो। सेकेंड जो शैम्पू है गाइज, हिमालय एरिना ईपी, बहुत ही ज़्यादा सेल होने वाला ये एक प्रोडक्ट है हिमालय एरिना ईपी। इसका एक बहुत एक अच्छा एक रिजल्ट है, अगर आप इसका यूज करोगे तब आपका जो डॉग है टिक्स, माइट्स, फ्लीज और मेंजिस से छुटकारा पा लेगा। पूरी लाइफ भर उसे ये नहीं सताएंगे, बिकॉज ये कुछ पैरासाइट्स होते हैं आपके जो डॉग की बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं से लग ही जाते हैं। तो गाइस, ये जो दो प्रोडक्ट थे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में ही गाइस, एक प्रोडक्ट और आता है, वो भी एक शैम्पू ही है, कीटोक्लोर शैम्पू। गाइस, जो ये कीटोक्लोर शैम्पू है, अगर आपका डॉग किसी भी टाइप की एलर्जी से सफर कर रहा है, वो जो एलर्जी हो सकती है स्किन एलर्जी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या कोई भी एक्सटर्नल अगर पैरासाइट्स की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो गया, तब आप उसके अंदर अगर कीटोक्लोर शैम्पू का यूज़ कर रहे हो उसका भी एक अच्छा एक रिजल्ट देखा गया है। आगे गाइस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कोना सैब के नाम से ये गाइस एक मेडिकेटेड शैम्पू है। अगर आप किसी भी वेटनेरियन के सलाह पे इसको परचेज करते हो, इसका यूज़ करते हो, तब गाइस आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। लिखवा के ले लो ये बात, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है अगर आपका डॉग एटोपिक डर्मेटाइटिस नाम की बीमारी से सफ़र कर रहा है, बिकॉज गाइज ये बहुत ही भयंकर बीमारी होती है। अगर आपके डॉग की बॉडी पे आ गई तो पूरी डॉग की बॉडी पे फैल जाती है और जितने भी जो हेयर्स होते हैं वहाँ पे एलोपेशिक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। एलोपेशिया मीन्स होता है बोल्डनेस हो जाना, यानी वहाँ गंजापन आना स्टार्ट हो जाएगा, डॉग के जो पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तब गाइज उसको बचाने के लिए आप अपने डॉग के लिए या कैट्स के लिए कोनासेब नाम का ये जो शैम्पू है यूज़ कर सकते हो। एक आता है गाइज सीरोलेटिक के नाम से, ये गाइस जो शैम्पू है ये भी एक अच्छा एक ब्रांड है, अच्छा एक प्रोडक्ट है। अगर गाइस आप इसका भी यूज करते हो तब भी आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, 100% श्योर है। बिकॉज गाइस मार्केट में हम जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदें यार, कि बिकॉज वो जो शॉपकीपर होता है बहुत सारे प्रोडक्ट आपके सामने रख देता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो गाइस आज की जो वीडियो है आपके ही डाउट को क्लियर करने के लिए है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और इजीली आपको वो चीजें मिल जाए शॉपकीपर के पास भी या ऑनलाइन भी अगर आप परचेज करना चाहते हो। तो गाइस आज की जो वीडियो है वैसे तो छोटे से टॉपिक के ऊपर है, बट गाइस ये जरूरी था, आपको पता होना चाहिए। अगर आप डॉग लवर हो, डॉग ओनर हो, आपको नॉलेज होने चाहिए। तो गाइस जो हमारा जो चैनल है आपको टाइम टू टाइम बहुत सारी नॉलेज प्रोवाइड करता है डॉग्स और कैट्स के बारे में, और आपकी फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करता है, ताकि आप अपने डॉग को बचा सको किसी भी भयंकर बीमारी से। अगर गाइस आपके मन में डाउट है और अगर आप किसी भी डिजीज़ के बारे में मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, कोई रिपोर्ट्स वगैरह शेयर करके मुझसे बातचीत करना चाहते हो, यानी ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हो, तो गाइस इसका कोई भी चार्ज नहीं होगा। सिर्फ आपको मुझे DM करना है मेरी इंस्टाग्राम ID पे, वहाँ मुझसे बात करो, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपको ये करना चाहिए। देखिए गाइस क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं कि सर आप हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट सजेस्ट कर दो, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है गाइज, बिकॉज गाइज ऑनलाइन हम कभी भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट होता है गाइज जब हम फिजिकल किसी डॉग के पास जाते हैं तो उसको अच्छे से डायग्नोस करते हैं कि उसको किस टाइप का इन्फेक्शन है, किस टाइप की बीमारी है, तभी वो ट्रीटमेंट सक्सेस है। ऐसे गाइज ऑनलाइन अगर हम ट्रीटमेंट करने लगे तो गाइज फील्ड का तो बिल्कुल ही सत्यानाश हो जाएगा, और गाइज बात ये होती है कि डॉग के ऊपर साइड इफेक्ट होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो गाइज मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपको अच्छी लगी होगी और थोड़ी सी तो नॉलेजफुल आपके लिए रही होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, राम राम। सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, बाय बाय।